तो यार, अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस जानना है, या अगर आपको जानना है कि जो इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स होते हैं उनका लाइफ को लेकर क्या टेक होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको लाइफ का पर्पस जानने में मदद करूँगा। यार ये क्वेश्चन मत करना कि तुम कौन हो करने वाले, सुन के देखो, हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ आपको मिल जाए जो आप खोज रहे हो। सब लोग सब कुछ नहीं ला सकते आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये आपके लिए काम करेगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और उससे दो कंक्लूजन निकालूंगा, दो कंक्लूजन सेम स्टोरी से। एक कंक्लूजन आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए और एक बोलेगा भाई नहीं काम करना है, इस ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। अब ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपके माइंड प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा उससे लेके उसको अपनी ज़िंदगी में उतारे। तो ये जो मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ये एक बहुत ही ख़ास शख्स के बारे में, हो सकता है हम सब ने उनका नाम सुना हो, थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है ये? इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। आज इनकी वजह से सबके घर में रोशनी है। अब सपोज़ कीजिए कि मैं उनका कहानी बाद में बताऊंगा, रिलेट करूंगा, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए आप कि कल आपका डेथ हो गया, नहीं हो वैसा, बट बस फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपका डेथ हो गया, तो क्या आपने कुछ ऐसा किया जिससे लोग आपको याद रखे? क्वेश्चन योर सेल्फ येस और नो। यार कितने लोग होते हैं जो लोग एक कंपनी में काम कर करके अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनका डेथ हो जाता कंपनी एक सेकेंड में रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है। क्या उनका लाइफ का पर्पस यही था कि दूसरे के लिए काम करे? मैं इससे ये नहीं कहना चाह रहा जॉब मत करो, बट मैं आपका लाइफ का पर्पस बता रहा हूँ। क्या आपका गोल यही था कि मैं दूसरे के लिए काम करके अनरिकॉग्नाइज मर जाऊँ? यार इतने लोग आते हैं, 8 बिलियन लोग हैं, सब तो रिकॉग्नाइज नहीं होते। जो लोग अपने लाइफ का पर्पस जान लेते हैं वही होते हैं, जो लोग अपना लाइफ का पर्पस अचीव कर लेते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया बल्ब, हज़ारों बार फेल किया ऐसा कहा जाता है, और फिर फाइनली बन गया। अब अगर मैं यही स्टोरी जो थोड़ी देर पहले आपको कहा कि यार 8 बिलियन लोग हैं, तू मर जाएगा, तेरा क्या है, कोई कोई मतलब ही नहीं है, इतने लोग हैं कौन तुझे याद रखेंगे, तो बता यार तब काम करके क्या फ़ायदा है, जॉब करके क्या फ़ायदा है, अपने आप को फिट करके क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा यार मर जाओ, कोई मतलब ही नहीं है मेरे लाइफ का। तो और अ लाइफ विदाउट अ पर्पस इज़ लाइफ वेस्टेड, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो मैं उन्हें ये कहता तो बोलते हाँ यार ये बात तो सही है। फिर भी उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उस समय उनको बहुत रिकॉग्निशन मिला, बहुत नाम मिला, शायद उन्होंने कोई प्राइज़ भी जीता था। और उनके देहांत के बाद उनका नाम तब भी था, उस समय था, लेकिन क्या आज उन 8 बिलियन लोग, 8 में से अगर सपोज़ कि 7.5 बिलियन के घर में लाइट है, तो क्या वो 7.5 बिलियन लोग उनका नाम जानते हैं? क्या उस समय जानते थे? मैं कहता हूँ नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। क्या वो उस नाम के लिए जी रहे थे? नहीं, ये सबसे बड़ी खासियत थी उनमें, वो उस नाम के लिए नहीं जी रहे थे, क्योंकि आज के बाद जितने भी इंजीनियर्स आएंगे वो उनका नाम जानेंगे, कुछ हमारे जैसे जो जीके में थोड़े बहुत पॉलिश देंगे वो उनका नाम जरूर जानेंगे कि हाँ इन्होंने बनाया था, बट क्या सब जानेंगे? नहीं। बट उनको सबके जानने से मतलब नहीं था। यार इस स्टोरी से दो चीज़ ले सकते हो, यार मेरा नाम नहीं बनेगा, मेरा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मर जाओ नहीं काम करूँगा, और दूसरा यार मेरा लाइफ का पर्पस मैं अचीव करूँगा ना, तो मैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के अंदर इमोर्टल हो जाऊँगा। महात्मा गांधी इमोर्टल है पूरे इंडिया में, सब उनसे नहीं मिले, मैं उनसे नहीं मिला फिर भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग तो कितना बार होते हैं कि अपने सामने जो लोग हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, वो होता है आपका लाइफ का पर्पस सेटिस्फाई करने से। हुआ ना उनका नाम, क्या वो ये सोचे कर रहे थे, क्या वो ये सोचे कर रहे थे कि यार इंडिया को ये करा दूंगा तो सारा मेरा नाम हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। तो अब बात ये है कि लाइफ का पर्पस खोजे कैसे। एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी मैंने, शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आपके बहुत हेल्प करे, ये स्टोरी अच्छे से सुनिए। था तो हुआ क्या था, एक बहुत हताश आदमी, एकदम नाराज़,
एक बहुत बड़े नेटवर्कर के पास गया और बोला, यार तुम नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, इतने बड़े नेटवर्क हो, नेटवर्कर हो, तो इतना पैसा कमाया, तुम भी वही बिजनेस कर रहे हो, मैं भी वही बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे? तो बोला, तू जानना क्या चाहता है? मैं जानना चाहता हूँ, उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ आप इतने अमीर कैसे बने और मैं क्यों नहीं? आदमी ने पूछा, जो मैं बोलूँगा तू करेगा? बोला, हाँ करूँगा। तो उसने उसे अपने घर बुलाया और बोला, ठीक है सबसे पहला पड़ाव। उससे क्वेश्चन पूछा कि यार लाइफ का पर्पस क्या है? हर दूसरा आदमी ऐसा ही रिएक्शन देगा आपको, आप बस पूछे लाइफ का पर्पस क्या है, वो एकदम स्थिर हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं है बोलने को। हो सकता है आज से एक साल पहले आप मुझसे कहते ना, लाइफ का पर्पस क्या बताओ, मैं नहीं कह पाता, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यार मैं बस एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसने कहा, बैठ बैठ, आँख बंद कर, हो सकता है तो आप वीडियो के साथ ये कीजिए, आँख बंद कर, दो सांसें ले, अपना हाथ अपने पाँव में रख और खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दे। उसने ऐसा ही किया। फिर जैसे जैसे नेटवर्कर ने उससे कहा कि जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड अ सिनेमा हॉल, वहाँ पे एक मूवी लगी है, मूवी के मार्क्यू पे जो ऐसे चलता है बोर्ड पे नाम, उस पे तेरा नाम लिखा है और कहा है द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ हिस लाइफ, जैसे MS धोनी द अंडर स्टोरी, तो यहाँ आपका नाम और द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ बाय हर लाइफ। तो तू अंदर गया, सीट पे बैठा, इमेजिन आप साथ साथ कीजिएगा आंखें बंद करके, सीट पे बैठा, धीरे धीरे थिएटर्स की लाइट बंद हुई और मूवी शुरू, गाने चलने लग गए। उसने उनसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में सोचने बोला कि अपना बचपन सोचो, बचपन बनाओ। वो सोचने लगा, बचपन बना रहा था अपना। फिर उसने बोला, यार सोचते जाओ क्या हार्डशिप तुम देख रहे हो, क्या हार्डशिप तुम फेस कर रहे हो, सोचो। वो सोच रहा था, हाँ मैं ये हार्डशिप फेस कर रहा हूँ। उसने पूछा, कैसे लोगों से मिल रहे हो? वो सब इमेजिन कर रहा था जो वो बनना चाहता था, क्योंकि वो उसकी लाइफ की स्टोरी थी, वहाँ पे किसी और का जोर नहीं था, वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। नेटवर्कर ने उससे बहुत सवाल पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, अब क्या है, तुम्हारी एज के साथ क्या है, और फिर कोई सवाल नहीं, छोड़ दिया सवाल पूछना और उसके उसी के मूवी में उसे छोड़ दिया सोचने के लिए। वो सोच रहा था, कुछ आधे घंटे बाद, उसे पता नहीं चला समय कब बीता, आधे घंटे बाद उसने आँख खोला और वही नेटवर्कर उसके ठीक सामने बैठ के एक छोटी सी स्माइल दे रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, कैसा लगा तुम्हें? आदमी ने कहा, मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, क्या एक्सपीरियंस था, मुझे मज़ा आ गया, मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी मुझे चाहिए। बोला, अच्छा ये ख़त्म कैसे हुआ? बोला, ख़त्म तो बहुत मज़ेदार था, ख़त्म कहानी इसी रूम पे हुई, बस मैं आपकी जगह बैठा था और मेरी जगह कोई और जिसे मैं गाइड कर रहा हूँ, जिसका लाइफ का पर्पस मैं खोजने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो उसने पूछा, तुमने क्या क्या देखा? उसने कहा, मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूँ, मैंने हज़ारों लोगों की जिंदगियाँ बदल दी, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। बोला, तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या पता चला तुम्हें? तो उसने कहा, मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो उसे उसके लाइफ का पर्पस मिल गया, एक सिंपल सा एक्ट 5 मिनट का, और वो उस समय के लिए 30 मिनट 35 मिनट का उसके पूरे लाइफ को डिफाइन कर गया कि हाँ तुझे यही बनना है ज़िंदगी में, तो ये करके देखो, तो ये सिंपल एक्ट करके देखो, हो सकता है आपको भी आपके लाइफ का पर्पस मिल जाए।
मुझे अपना लाइफ का पर्पस पता है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, मुझे वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इंडिया में हूँ मैं, इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये वाटर प्रॉब्लम इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, मैं यार ये करना चाहता हूँ। मैंने अपना लाइफ पर्पस आपको बता दिया धोनी की तरफ से, कि यार सोचो धोनी ने भी कभी बैठा और सोचा होगा, उसने भी अपने आंखें बंद की होगी और सोचा होगा यार मैं वर्ल्ड कप उठा रहा हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं वर्ल्ड कप उठा रहा हूँ, मैंने छक्का मारा। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन, योर ड्रीम्स, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। धोनी ने भी नहीं किया, उसने अपनी टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़ दी, फिल्म में देखा होगा, ट्रेन में चढ़ने से पहले उसका उसकी तरफ क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं टिकट कलेक्टिंग करते रह गया तो क्या लाइफ में मुझे जो करना है वो पूरा हो पाएगा, यही था ना क्वेश्चन, करो खुद से ये क्वेश्चन। उसने क्या सोचा, उसने ये नहीं देखा कि यार पूरी ज़िंदगी में इतना समय बाकी है मेरे पास, उसने आज का सोचा, उसने सोचा यार कल अगर डेथ हो गई तो टिकट कलेक्टर के नाम से ही ना डेथ होगी, क्रिकेटर के नाम से तो नहीं होगी, उनका लाइफ का पर्पस क्रिकेटर, बन गए कलेक्टर, ये तो नहीं जच रहा। तो यार अपने इंडिया में ऐसा एग्जाम्पल है, उनके पास तो दोनों मौके आए कि यार कलेक्टर की काम करके ज़िंदगी भर बस अपने फैमिली में अपना नाम रखो और क्रिकेटर बन गए तो पूरे दुनिया में करो। लाइफ का पर्पस बहुत मैटर करता है, लाइफ का पर्पस अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अभी निकालिए, मेरा आपसे अर्ज है अभी अपना लाइफ का पर्पस खोजिए इस वीडियो के बाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर देना, क्या पता किसी को इस वीडियो की नीड हो, आज मैं वो बोल गया हूँ जो किसी को मोटिवेट कर दे, जो किसी को हेल्प कर दे। बहुत 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 अच्छा लगा तो यार अपना लाइफ का पर्पस भी कमेंट बॉक्स में डालना, क्यों यार आज से 5 साल बाद अगर आप कहीं खोए हुए दिखे, भीड़ में खोए हुए दिखे, तो यार इस वीडियो पे आके देखना 5 साल पहले मैं क्या बनना चाहता था, क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, क्या अब मैं कर सकता हूँ। मैकडोनल्ड्स इतना लेट शुरू किया उनने, ट्रंप 70 पे बने प्रेसिडेंट, तो यार एज कोई नंबर नहीं, एज छोड़ो यार, एज से कुछ नहीं होता। आज तो मोदी जी भी 70 साल के हो गए, आज तो उनका भी जन्मदिन है, इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर है। आप बोलेंगे यार 70 साल में पूरा भारत चला रहा है वो एक बंदा। लाइफ का पर्पस आपका एज नहीं देखता। और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, अगले वीडियो के लिए भी ज़रूर आना, बहुत तड़कता भड़कता एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सकता है आपको और अच्छा लेसन दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, ख्याल रखिए, कोविड से बच के रहिए, अच्छे वीडियोस देखते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।